हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं नियो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि रिलायंस जियो में आ चुकी है नई वैकेंसी। जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस जियो की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसके लिए सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 10वीं पास से लेकर के 12वीं पास और ग्रेजुएट पास, इन सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी आ चुकी है रिलायंस जियो की तरफ से। सो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। रिलायंस जियो की इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि रिलायंस जियो की इन वैकेंसी के लिए आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है और ना ही कोई आपसे एप्लीकेशन फीस ली जा रही है। तो यहां पर डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा और एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारी जानकारी आपको देंगे कि इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आवेदन कब से कब तक चलेंगे और किस प्रकार आपको अप्लाई करना होगा, ये कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार आप सभी के लिए नई वैकेंसी की अपडेट सबसे पहले लेकर आते हैं। लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और रोजाना इसी प्रकार नई वैकेंसी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए गाइस आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबाएं, साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रिलायंस जियो की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि इस साल 2022 की नई वैकेंसी है, बंपर वैकेंसी है, लगभग 15,000 प्लस यहां पर वैकेंसी है। जी हां दोस्तों, प्रूफ के साथ आपको बताएंगे 100% रियल वैकेंसी आ चुकी है, 15,000 से अधिक वैकेंसी यहां पर रिलीज हो चुकी है और इन सभी वैकेंसी के लिए सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो घर बैठे अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है वो भी प्रोसेस हम आपको बताएंगे और वही सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फीस किसी भी कैंडिडेट्स को कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं, बिल्कुल फ्री में अप्लाई करना होगा। सैलरी आपको काफी हैंडसम मिलेगी, 20,000 से लगभग 60,000 रुपए पर मंथ आप सैलरी पा सकते हैं अगर आपको ये जॉब मिलती है तो। वहीं दोस्तों, यहां पर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट से लेकर के हाउसवाइफ, और यहां पर अगर आप क्वालिफाइड हैं तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। अगर आप जॉब करते हैं या आपका कोई बिजनेस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, काफी सारी जॉब्स हैं। चलिए, बाकी सभी जानकारी के लिए सीधा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अधिक जानकारी और आवेदन करने का लिंक मिलेगा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, tipsworldbuzz.xyz पर। फ्रेंड्स, आज ही हमारी वेबसाइट पर जाएं और अप्लाई करें। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस जियो की लेटेस्ट जॉब्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, रिलायंस जियो की तरफ से नई वैकेंसी आ चुकी है, जो कि इस साल 2022 की नई वैकेंसी है। रिलायंस जियो की तरफ से जो वैकेंसी निकाली जा रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी है। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, यहां पर जो डिपार्टमेंट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसी है, सेल्स से है, मार्केटिंग से है, आईटी से है, कस्टमर सर्विसेज से है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट से है, सप्लाई से है, प्रोडक्शन से है और यहां पर एचआर से है। काफी सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसी देखने को मिल रही है और यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी जो है काफी सारी वेरियस वैकेंसी है यहां पर, जिसके लिए केवल आपको गाइस ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा और आवेदन जो है ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आज ही अप्लाई कीजिएगा। वहीं सिलेक्शन प्रोसेस में केवल आपका इंटरव्यू होगा, आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, केवल आपका इंटरव्यू होगा, सीधी भर्ती है और सैलरी आपको इस पर रोज मिलेगी, क्योंकि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी का जो है क्राइटेरिया है, ठीक है। वहीं दोस्तों, जॉब लोकेशन जो है ऑल ओवर इंडिया की है और ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं रिलायंस जियो की इस वैकेंसी के लिए। और वहीं फ्रेंड्स, यहां पर एज लिमिट जो है मिनिमम 18 है और मैक्सिमम जो है 60 ईयर से। तो अगर आपकी एज है 18 से 60 साल तक के बीच में तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। एप्लीकेशन फीस, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि यहां पर सभी कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल फ्री है। अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, यहां पर अगर आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, एज अ फ्रेशर भी हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 10th क्लास, 12th क्लास, आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री, ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, सभी के लिए वैकेंसी है। और वहीं फ्रेंड्स, के आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा यहां पर, ये रहा अप्लाई करने का लिंक। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं कि आपको रिलायंस जियो की इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कैसे करना है। यहां पर फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है, आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे जो कि रिलायंस जियो का करियर पोर्टल है। यहां पर आप आएंगे तो आप देख सकते हैं काफी सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मोबाइल से अप्लाई करना चाहते हैं, मोबाइल से ही घर बैठे जॉब करना चाहते हैं, तो यहां पर फ्रीलांसर के लिए जॉब्स है, जिसके लिए आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। 7686 यहां पर जॉब्स हैं अभी के अभी, ठीक है। तो यहां पर 7600 से अधिक जॉब्स आ चुकी है फ्रीलांसर के लिए। बाकी आप अदर डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसा कि सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विसेज, टेक्नोलॉजीज, आईटी से, बिजनेस ऑपरेशन से, तो आपके लिए वो भी वैकेंसी यहां पर है, आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप क्वालिफाइड है, अगर आपकी प्रोफाइल मैच करती है तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। वहीं फ्रेंड्स, अब आपको बताते हैं कि अगर आप फ्रीलांसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर आपको क्लिक करना है, आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे। फ्रीलांसर में आप देख सकते हैं
काफी सारी जॉब्स हैं अलग अलग लोकेशन वाइज यहाँ पर जॉब्स दे रखी है, आप यहाँ पर आकर के चेकआउट कर सकते हैं। कौन कौन सी पोस्ट है, जियो कस्टमर एसोसिएट की पोस्ट है जो कि फ्रीलांसर की जॉब्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी सारे पेजेस भी हैं जिसपे आप क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पर आप क्लिक कर दीजिए, आपके सामने कुछ नया पेज आ जाएगा जहां पर आप देख सकते हैं पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर पूरी की पूरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जॉब लोकेशन क्या होगी, जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है पूरी की पूरी आपके सामने आ जाएगी। देख सकते हैं आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, 10वीं पास। अगर आप 10th क्लास पास भी हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 10+2 पास भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास, ये सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल एज ए फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, केवल आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहां पर आपको क्या क्या होना चाहिए, आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए और आपको सेल्स और कस्टमर को हैंडल करना आना चाहिए। बाकी सभी जानकारी आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर मिलेगा बटन अप्लाई नाउ का, यहां पर आप क्लिक कर दीजिए और यहां पर आपको न्यू यूजर, अगर आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं कर रखा है तो यहां पर आप न्यू यूजर पर आप क्लिक कर दीजिएगा, अदरवाइज आप यहां पर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करके भी फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो न्यू यूजर पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने क्रिएट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा जिसको आपको फिल करना है। ये फॉर्म है छोटा सा, इसको फिल करना है और उसके बाद में कंफर्म करना है। इसमें आपकी जो भी जानकारी है जैसे कि ईमेल आईडी, पासवर्ड, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, कंट्री क्या है, आपका कैप्चा कोड जो भी है वो फिल कर दीजिएगा, ये दोबारा से कंफर्म कर दीजिएगा और मोबाइल नंबर डाल करके आप यहां पर कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली लॉगिन करना है, लॉगिन करके आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। एक एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हां फ्रेंड्स, आपको इसी प्रकार अप्लाई करना होगा रिलायंस जियो की इन वैकेंसी के लिए। काफी सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं तो आप भी अप्लाई कर लीजिएगा। फिर भी इन वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है आपके मन में तो कमेंट कीजिएगा, जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।